सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो, बहुत बहसबाजी होती है। बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं, कोई कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए, कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करेगा, जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा, क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो तीन तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है, जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद के लाओ, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना साहब, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली, और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा, डॉक्टर साहब जांच कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी, डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता है कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि इतने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द तक खा लिया, पेट दर्द तक खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो है जो डॉक्टर लिख कर देता है खाते हो। इन दोनों में अंतर है, जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, के साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा ली, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया, आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाता, आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई, बस। आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर रखना, वेद व्यास जी ने जो लिखा पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया इन वेदों में, इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, वेदव्यास जी जो लिख रहा है, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी।
लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कौमार्य खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है, आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र